हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी। आपका केबीसी में स्वागत है। जैसे कि रेलवे जूनियर इंजीनियर की डेट आ चुकी है, इससे मतलब बहुत सारा यूं हो गया कि हलचल हो गई है कि 22 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है या मेरे कोर्स ही नहीं हुआ, सिलेबस ही नहीं हुआ, हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे एग्जाम होगा। तो कुछ चीजें माइंड में रखो। पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए कि आप इंजीनियर हो, आपने ग्रेजुएट इंजीनियरिंग में की है ग्रेजुएशन अपनी। तो इंजीनियर का कोर्स कभी नहीं कंप्लीट होता, चाहे वो भली मिड टर्म्स हो या सेमेस्टर एग्जाम्स हो, यूनिवर्सिटी एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, कभी सिलेबस पूरा हुआ है। परंतु इंजीनियर ने हर बार अपने आप को प्रूफ किया है, तो अभी भी आप प्रूफ कर सकते हो, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोर्स कभी भी कंप्लीट हो ही नहीं पाता ना, कोर्स तो कंप्लीट हो ही नहीं सकता कभी। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि अब मैं जो 10-12 दिन रहे उसमें स्मार्टली कैसे पढ़ूं कि मेरा जो एग्जाम में आ रहा है ना उसमें टोटली फोकस करूं। तो उसी से रिलेटेड हमने अब स्टार्ट किया आपके लिए, जो भी हम 5-6 दिनों में आपको कंप्लीट कोर्स करा देंगे। जो कोर्स वाले पंगा है वो कंप्लीट कोर्स करा देंगे, हम करा देंगे आपको जो जो क्वेश्चन जिस जिस टाइप का आते हैं सब में, चाहे वो मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो या चाहे जनरल साइंस हो। इसके लिए हम आपको डेली 4-5 वीडियोस अवेलेबल कराएंगे, मैथ के, रीजनिंग के और जनरल साइंस के। आपको बस उन्हें देखना है, छोटे वीडियोस होंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। आज ही हम थोड़ी कन्वर्सेशन कर रहे हैं और कहीं भी हम कोई भी कन्वर्सेशन नहीं करेंगे, केवल टॉपिक टू टॉपिक बात, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और उसके लिए प्रैक्टिस के लिए मैं आपको फेसबुक और टेलीग्राम दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके जुड़ जाना, वहां पे आपको मटेरियल मिलता रहेगा प्रैक्टिस के लिए। तो लगा दो 12 दिन यार, एक रात में हम पूरे जो सेमेस्टर की पूरी जो 5 यूनिट्स होती थी वो कंप्लीट कर देते थे वन नाइट में, एक रात में। इसमें तो 12 दिन है भाई साहब। और सीबीटी फर्स्ट तो यू है, क्वालिफाई करना है आपको ना, ये तो नहीं कि उसके मार्क्स एडिशन में जाएंगे, नहीं ना। तो फिर तैयार हो जाओ, माइंड सेट एकदम क्लियर कर लो और फोकस करो स्टडी पे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आज जो स्टार्ट कर रहा हूं ना वो मैथ का स्टार्ट कर रहा हूं। जो मैथ का एक टॉपिक है वो है रेशियो। पक्का एक क्वेश्चन नहीं, 2-3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे रेशियो से। देखो रेशियो की कहानी क्या है, हम क्या करेंगे टॉपिक को, थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे जो बेसिक कहानी है उसकी, और उसके बाद टाइप्स के जितने टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं ना, हर टाइप को मैं छू लूंगा एक बार के लिए, ताकि आपको आइडिया तो लगे किस टाइप के क्वेश्चन आने। मैं ना लेवल एकदम हाई पे ले जाऊंगा ना लो पे लेके जाऊंगा, जिस लेवल के क्वेश्चन रेलवे पूछता है, जूनियर इंजीनियर पिछले पूछे गए हैं, उसी लेवल पे चलूंगा, ठीक है। तो रेशियो हिंदी वालों के लिए भी मैं अनुपात, देखो अनुपात की क्या कहानी ये समझो पहले। अनुपात होता क्या है ये देखा है, 1:2 देखा है, 1:2 मतलब क्या है। मान लो मैं कहता था ए है ये बी है, ठीक है, इसमें 1:2 है, तो मतलब ये है यदि ए एक है, यदि ए एक है तो बी कितना होगा, 2 होगा, कंफर्म है। और यदि मैं कहता हूं ए कितना है, मेरा 2 है, ए 2 है, तो ये किसका, इसका दुगना है, यानी कितना होगा, 4। तो रेशियो जब भी दिया हुआ होता है ना, उससे एक चीज पता चल गई मुझे कि ए बटा बी मुझे दिया हुआ है, यही ए बटा बी होता है, इसी ए अनुपात बी कहते हैं। तो मुझे अगर ए बटा बी दिया हुआ है और मान लो 2:2 दिया हुआ है और मुझे ए की वैल्यू पता है, तो मैं बी की निकाल सकता हूं। ये चीज रेशियो में समझ लो कि एक वैल्यू पता है तो मैं दूसरी निकाल सकता हूं, ये ही रेशियो है, और कोई खास रेशियो नहीं है। बहुत सारी चीजें और भी होती है परंतु वो अननेसेसरी है, मैं अभी काम नहीं आएंगे, क्वेश्चंस में आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगा। ऐसी चीज और होती है कि रेशियो समान चीजों में निकाला जाता है। जैसे मैं कह देता हूं मैं रेशियो निकाल रहा हूं, एक तो नंबर्स ऑफ मान लो काउज है, गायों की संख्या अनुपात मान लो मिल्क, तो ये अनुपात गलत हुआ भाई साहब। यहाँ एक नंबर है, यहाँ क्वांटिटी है, नहीं सेम क्वांटिटी में नंबर ऑफ काउज, तो इधर भी नंबर ऑफ काउज हो, या फिर नंबर ऑफ यहाँ मिल्क हो तो यहाँ पे भी मिल्क हो, तो सेम क्वांटिटी में ही रेशियो निकाला जाता है, कहीं काम नहीं आने वाला, कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला। अब देखो हर टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आपके लिए मैं लाया हूं, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को और इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। इस कॉन्सेप्ट को समझोगे तो क्वेश्चन पक्का 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 गलत नहीं होगा। देखो क्वेश्चन देखो क्या है, आपको कहा है क्वेश्चन पी रेशियो क्यू क्या है, वो अनुपात दिया हुआ है 2:3, ठीक है। क्यू रेशियो आर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4:5, ठीक है। तो आपसे पूछा है पी अनुपात क्यू अनुपात आर,
ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, समझ लेना अच्छे से। आपको पी अनुपात क्यू कितना दिया हुआ है? 2:3। क्यू अनुपात आर दिया हुआ है 4:5। पी अनुपात क्यू अनुपात आर निकालना है, ठीक है। मेथड कौन सा लगाऊंगा? मेथड कोई भी लगा सकते हो, परंतु एक जो मेथड है जिसे कहते हैं फोटो कॉपी मेथड, फोटो कॉपी मेथड। ये क्या है, समझ, अच्छे समझ। क्या करना है, सिंपल सा एक काम लिख, पी अनुपात क्या निकालना है, क्यू अनुपात आर, ये तीन चीजें निकालनी है। लिख दे इसको, पी अनुपात क्यू अनुपात आर। पी अनुपात क्यू कितना दिया हुआ है? 2:3 दिया हुआ है, लिख दे इसको। फिर नीचे क्यू अनुपात आर कितना दिया हुआ है? 4:5। बस इतना हो गया तेरा काम। अब देख, फोटोकॉपी यानी फोटोकॉपी में क्या करते हैं, हम जेरोक्स करते हैं, उसी की जेरोक्स कर देते हैं, आगे कॉपी मार देते हैं। तो यहां पे देखो स्पेस खाली कहां है, एक तो यहां है और एक यहां है। क्या करना है, इनके जो पीछे है, इसके जो पड़ोसी है, इसका जो पड़ोसी है उसकी फोटोकॉपी मार दो। यहां क्या है, 3, 3 की फोटोकॉपी मार दे। यहां स्पेस कितना है, 4, 4 की फोटोकॉपी मार दे। बात खत्म। अब कुछ नहीं करना, तेरा आंसर आ जाएगा। सिंपली इसको गुणा कर ले, 4 × 2 = 8, 3 × 3 = 12, 5 × 3 = 15। आंसर यही है आपका, 8:12:15 आपका आंसर आ जाएगा। क्या किया मैंने, जो रेशियो था 2:3, 4:5, जहां स्पेस खाली थे वहां पे जो पड़ोसी है ना उसकी क्या कर ली मैंने, यहाँ पे फोटोकॉपी कर ली। यहाँ पड़ोसी ये था, इसकी फोटोकॉपी यहां मार दी। फिर क्या करी, गुणा, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 5 × 3 = 15। तो आपका आंसर क्या आ गया, 8:12:15। ठीक है, आई होप इस तरह के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेता हूं आपके लिए ना। मान लो 2:3 नहीं दिया हुआ, इस बार दिया हुआ है 1:4 दिया हुआ है। इससे समझ में आएगा कि अपना गलत है या सही है, ये भी समझ में आ जाए। 1:4 है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे लिए केवल ये वाली लाइन चेंज होगी। चलो मैं पूरा चेंज करके बताता हूं आपको, है ना। 1:4 लिख दिया, 1:4, अगली लाइन में 4:5, ठीक है, लिखा। यहां किसकी कॉपी मारूंगा, 4 की। यहां किसकी कॉपी मारूंगा, 4 की। गुणा कर दे, 4 × 4 = 16, 5 × 4 = 20। ये रेशियो आ गया, इसको काट सकता है, सबसे कट रहा है कॉमन, 4 से कटता है। 1:4:5, ये आंसर आ गया, यही आंसर आना चाहिए था। क्या देख, पी अनुपात क्यू इजिकल टू 1:4 था, यानी और क्यू अनुपात आर इजिकल टू कितना था, 4:5। यहाँ पे ये पी अनुपात क्यू अनुपात आर, देख जनरल सेंस से माइंड थोड़ा सा ओपन कर, कॉमन सेंस लगा। पी 1 है तो क्यू कितना है, 4 है, ठीक है। क्यू 4 है, क्यू 4 है तो आर कितना होगा, 5। ये तो आंसर आ रहा था, ये भी आंसर है, समझ में आ गई कहानी। अच्छा लो, बढ़िया है। अब देखो अगला क्वेश्चन, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो गया, टाइप फर्स्ट था, इससे कोई क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। मैं सारे क्वेश्चन टाइप में करा दूंगा एकदम, गलत होने की कोई गुंजाइश ही नहीं रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, एक चीज समझ पहले, उससे पहले एक क्वेश्चन से पहले एक चीज समझ। मैं कहता हूं ए अनुपात बी मेरा क्या है, 2:3 है, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, पहला मेथड ये, दूसरा क्या लिख सकता हूं, ए बटा बी इजिकल टू क्या लिख सकता हूं, 2:3 लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई समझ में। इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसकी गुणा इधर ले आऊं, इसको सॉरी इसको इधर ले आऊं और इसको ऊपर ले जाऊं, तो ये क्या है, ए बटा 2 = b/3 आ गया समझ में। बस अब देख एक बढ़िया सी चीज निकल रही है यहां से, यदि समझ पाए तो बहुत ही बेहतरीन चीज है, नहीं समझ पाए तो कोई बात नहीं, है ना, वापिस समझ लेना। ए के नीचे क्या है और बी के नीचे क्या है, क्वेश्चन आता है भाई इसी तरह से। ए के नीचे 2 है, मैं ये लिख सकता हूं ए अनुपात बी का मतलब क्या है, जो ए के नीचे है वो ए के अनुपात को बताएगा और जो बी के नीचे है वो बी के अनुपात को बताएगा। बात समझ में आई नहीं आई तो वापिस समझ ले, कोई टेंशन वाली बात नहीं। जो ए के नीचे है वो ए के अनुपात को बताएगा, जो बी के नीचे है वो बी के अनुपात को बताएगा। मतलब ए बटा 2 = b/3 दिया हुआ है, सॉरी b/3, तो मैं ए अनुपात भी डायरेक्ट निकाल सकता हूं 2:3। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी, 2:3, ठीक है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, इसी चीज को समझते हुए थोड़ा आगे चलते हैं ताकि
अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, देखो हर टाइप के क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिए हैं, इसकी पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में, आपको सारी इंफॉर्मेशन मैं वीडियो के लास्ट में अवेलेबल करा दूंगा। आपको ये दिया हुआ है, हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करो। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मुझे पता है ए बटा दो ये आए थे समय में, देख क्वेश्चन में क्या, टू ए बराबर थ्री बी बराबर फाइव सी। इसको मुझे ये पता है कि ए के नीचे जो होगा ना वो उसका अनुपात दिखाएगा, ए के नीचे, केवल ए के नीचे। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए बटा एक से दो बराबर बी बटा एक बटा तीन। इसको क्या लिख सकता हूं, सी बटा एक बटा पांच लिख सकता हूं, क्योंकि दो ऊपर गणा करके ऊपर आ गया, दो तीन पांच, कोई प्रॉब्लम, बस इतना सही लिख दिया। अब तो समझ हो गया, अब तो कहानी समझ में आ गई। तुझे पता है ए के नीचे जो बता रहा है वो ए का अनुपात होगा, बी का अनुपात होगा, सी का अनुपात होगा, ठीक है, समझ ले। फिर कहानी और आगे लेते हैं, तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना है, एक बटा दो अनुपात एक बटा तीन अनुपात एक बटा पांच। आंसर सही है, आंसर में कोई गलती नहीं है, परंतु तो एग्जामिनर क्या देखता है, एग्जामिनर सोचता है यार बट्टे में अनुपात अच्छा नहीं लगता, उसे पसंद ही नहीं है बट्टा, किसमें, अनुपात में। मैं क्या कह रहा हूं, अनुपात में बट्टा पसंद नहीं है, तो वो बेसिकली क्या करता है, मुझे दो हटाना है, तीन हटाना है, पांच हटाना है, पूरे अनुपात को किससे गुणा कर दूं ताकि ये सट जाए। देखो एक चीज और समझ लो, मैं कहता हूं ए अनुपात बी कितना है, दो अनुपात तीन है, ठीक है, पूरे अनुपात को दो से गुणा कर दो तो कितना है, दो दुनी चार अनुपात तीन दुनी छह, तो ये भी सही है, क्योंकि वापस काटोगे तो कितना है, दो अनुपात तीन आ जाएगा, है ना। तो पूरे अनुपात को किसी संख्या से गुणा करने पर अनुपात में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो एक बटा दो, एक बटा तीन, तीन बटा पांच, तो मैं गुणा किसके करूंगा, एलसीएम ऑफ किसके, दो तीन पांच, कितना होगा, पांच तीन पंद्रह दुनी तीस से गुणा कर दू तो कितना आ जाएगा, तीस से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, तीस को गुणा दो तीस से गुणा करी तो तीस बटा दो आ गया, तो यहाँ कितना आया, पंद्रह, यानी गुणा किससे करी है मैंने, तीस से, यहाँ कितना आया, दस, यहाँ कितना आया, छह, आंसर आ गया, पंद्रह अनुपात दस अनुपात छह, ये आपका आंसर आ गया। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसको लेके अब ये तो बेसिक क्वेश्चन थे, अब थोड़े लेवल हाई करते हैं, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं ताकि टाइम वेस्ट कम हो। आप जब इस वीडियो को देखो तो एक काम कर सकते हो, जो ऊपर एक ऑप्शन आता है कि स्पीड बढ़ा देता है वो, कि आपकी प्ले स्पीड क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, 1.25 होनी चाहिए, डेढ़ होनी चाहिए, तो उसमें आप स्पीड बढ़ा के भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन मैं यहां बताता हूं। देखो द सम ऑफ थ्री नंबर इज 98, इफ द रेशियो बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड इज 2:3 एंड दैट ऑफ, मतलब वही रेशियो इन सेकेंड एंड थर्ड इज 5:8 सेकेंड नंबर। अरे वाह, घुमा दिया, घूमना नहीं है, जो कहा है क्वेश्चन में वो लिख। क्या कह रहा है, तीन नंबर है तो मैंने मान ली तीन नंबर क्या है, ए बी सी, ठीक है, सम है उसका क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया हुआ है, 98 दिया हुआ है, बहुत ही बढ़िया है। द रेशियो बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी ए रेशियो बी कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है, एंड दैट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड, यानी बी रेशियो सी कितना दिया हुआ है, 5:8। तो आपसे पूछा क्या है, द सेकंड नंबर बी, आपको सेकंड नंबर बी, ठीक है। एक चीज पहले ये समझ, एक कॉन्सेप्ट और समझ, यहां से सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट भी समझते चलो और क्वेश्चन भी बनाते चलो। देख कॉन्सेप्ट क्या है, मैं कहता हूं कि ए प्लस बी कितना है, मान लो मैं कह देता हूं 26 है, ठीक है, और कहता हूं ए अनुपात बी कितना दिया हुआ है, 7:6 दिया हुआ है, मान लो 7:6 दिया हुआ है, तो ए और बी की वैल्यू क्या होती है, ए की वैल्यू क्या होती है, उसका अनुपात, ए का अनुपात बटा अनुपातों का योग, यानी 7+6 गुणा इनका सम कितना है, 26, तो कितनी वैल्यू आएंगी, 7 कितना है, 6 और 6 12 1 13 इंटू 26, यानी कितना आया, 2:14 आंसर आ गई। ऐसे ही बी की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूं, बी का रेशियो क्या है, 6 बटा अनुपातों का योग, कितना आया, 13,
इंटू 26 कितना आ जाएगा 12 आंसर आ जाएगा। 12 और 14 देखो 26 ही होता है, 12 और 14 26 होता है। तो मतलब समझ में आई कहानी इसकी, देखो इसका पूरा मीनिंग मैं अभी नहीं समझा रहा, अभी बस जो चीज है मेन मेन वो समझ लो। तो ये चीज आपको पता भी होगी, नहीं पता तो आप पता कर लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मतलब। अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं, मुझे तीनों का योग पता है, कहीं से मैं तीनों का रेशियो निकाल लूं, अनुपात निकाल लूं, तो मैं बी निकाल सकता हूं, ए भी निकाल सकता हूं, सी भी निकाल सकता हूं। अभी आपने क्या देखा, ए अनुपात बी कितना है 2:3 है, बी अनुपात सी कितना है 5:8 है। तुझे क्या निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी क्या आएगा, फोटोकॉपी मेथड अभी पढ़ा तूने, लगा 2:3 नीचे लिखेगा कितना 5:8, बस काम बन गया तेरा काम तो बन ही गया। लगा यहाँ किसकी फोटोकॉपी करेगा 3 की, यहाँ किसकी फोटोकॉपी करेगा 5 की, गुणा कर दे 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 8 × 16 = 24। कट सकता है कहीं से, नहीं कट रहा कोई बात नहीं। तो तेरा रेशियो आ गया क्या, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ गया 10:15:24, 3 से नहीं किसी से भी नहीं कटे। और ए प्लस बी प्लस सी कितना है, कितना है 98 है, बस आंसर आ गया। अब बी निकालना है, बी के लिए क्या करूंगा, बी का अनुपात कितना है 15/, योग कितना आया 10+15+24 इंटू 98 कितना आ जाएगा 15/10+15 = 20 49 इंटू 98 कर ले कितनी बार, 2 बार, कितना है 30, आंसर कितना आ गया 30। कितना इजी क्वेश्चन था, कितना सेकंड्स में बन सकता है, प्रैक्टिस डिपेंड करती है आपकी। आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो वापस घुमा के देखो वीडियो को, समझ में आ जाएगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, करने लायक क्वेश्चन था। तो ये टाइप हुआ हमारा, फर्स्ट कंप्लीट हो गया। फोटोकॉपी मेथड से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, थोड़े डिटेल में भी बन सकते हैं। आपको यदि प्रैक्टिस करनी है इनके और क्वेश्चनों की, तो मैं आपको टेलीग्राम और इस पे अवेलेबल करा दूंगा, आप वहां जाके देखिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला टाइप देखो, इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो मैं कहता हूं 3 क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन में सामने दिख ही रहा है, x अनुपात y कितना दिया हुआ है 3:4। पहला क्वेश्चन पकड़ते हैं, देखो 3x + y / 5x - y इसकी वैल्यू निकालनी है। दूसरा क्या है 3x + y² / 5x - y इसकी वैल्यू निकालनी है। तीसरा निकालना है x² - y² इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। 3 क्वेश्चन है आपके सामने। यदि आपको दिया हुआ है x रेशियो y क्या है 3:4 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है और आने के पूरे चांस है। पहला देख, पहला क्वेश्चन पकड़ता हूं, 3x + y / 5x - y ठीक है, इसका आंसर डायरेक्ट निकाल सकता है, x अनुपात y कितना है 3:4 है ना, तो डायरेक्ट x = क्या रख दे 3 और y = क्या रख दे 4, x = 3 y = 4 रख दो, 3 × 9 + 4 + 5 × 15 - 4 कितना है 9 × 4 = 13 / 15 = 11 आंसर आ गया 11 13/11 ठीक है। ये तो शॉर्ट ट्रक हो गया, शॉर्ट ट्रक, ट्रक बोलते हैं हम, शॉर्ट ट्रिक नहीं बोलते, शॉर्ट ट्रक है हमारा ये, शॉर्ट ट्रक उससे हो गया। अब ये हुआ कैसे, एक्चुअली हुआ कैसे उसको समझते हैं, नहीं तो आगे वाले कॉन्सेप्ट गलत हो जाते हैं। क्या करना है, एक्स कॉमन ले या चलो वाई कॉमन ले, ऊपर से वाई कॉमन लो तो बचेगा क्या 3x, यहाँ पे तो वाई नहीं है तो बट्टे में कितना आ जाएगा वाई, प्लस यहाँ से वाई कॉमन आ गया तो कितना आया 1, बार वाई कॉमन आ गया, अपॉन यहाँ पे भी वाई कॉमन लो तो कितना आया बार 5x / y - 1 रख दिया, यहाँ वाई से वाई कट गया, वाई से वाई कट गया, गौर फरमाना वाई से वाई कट गया, बहुत काम आई ये चीज। रखो x / y पता है कितना है 3:4 है, तो 3 × 3/4 + 1 अपॉन 5 × 3/4 - 1 कर ले 4 × 3 = 12 3/4 सही है। चलो अब देखो करो 3 × 9 = 9/4 है ठीक है, और +1 तो एलसीएम क्या आएगा 9/4 + 1 और 5 × 15/4
माइनस एक, तो ऊपर क्या आया, नौ और चार कितने, तेरह बटा चार, पंद्रह ग्यारह बटे चार, चार से चार कट गया, तेरह बटे ग्यारह आंसर आ गया। आपकी मर्जी है उससे करो, परंतु चीज समझ लो कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, और सोट्रिक से सुविधा हो सकता है और वैसे करो तो अगला हो सकता है। अब देखो हर बच्चे को ये सोट्रिक पता होता है, 80% बच्चों को ये सोट्रिक पता होता है, परंतु आजकल एग्जामिनर क्या करता है, थोड़ा घुमा देता है। क्या पूछ रहा, अगला क्वेश्चन देख, 3x + y² / 5x - y, इसका आंसर निकाल सकता है बच्चे, तीन एक्स इक्वल टू तीन रखते, वाई इक्वल टू चार रखते, आंसर निकाल देना, और ऑप्शन में भी मिलेगा वो, और वो गलत होगा, वो गलत होगा। क्यों गलत होगा समझ यार इसको, यदि देख नहीं समझ में आता तो लास्ट में एक बात भी बता दूंगा वो याद रख लेना। यहां से वाई कॉमन ले, वाई कॉमन लिया तो ऊपर वाई आ गया, बचा गया 3x / y + 1 - y / नीचे क्या आया, वाई कॉमन लिया है, ठीक है 5x / y - 1, ठीक है यह आया। अब मुझे पता है x प्लस ये y से तो y कट गया, x / y की वैल्यू पता है, इसकी पता है, परंतु अकेले y की वैल्यू नहीं पता। देखो x अनुपात y का मतलब अनुपात पता है, दोनों की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। जैसे मैं कहता हूं x / y 3/4 है, तो इसका मतलब कतई ये नहीं है कि y = 4 है, ये तब है जब x कितना हो, 3। ये इंडिविजुअली मतलब म्यूचुअली रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, x 3 है तो y 4 है, x यदि 9 हुआ तो 4 = 12 हो जाएगा y, ठीक है, तो वैल्यू नहीं पता इसकी फिक्स, ठीक है, इसी कारण हम इसकी वैल्यू नहीं निकाल। देख सोट्रक की बात करता हूं मैं, सोट्रक की बात करते हैं, देख कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब देखो जब ऊपर की पावर और नीचे की पावर में थोड़ा डिफरेंस हो, मतलब ऊपर की पावर क्या है, देख एक है इधर दो है, और नीचे क्या है एक और एक है, यदि पावर्स अलग अलग है तो आंसर क्या आएगा, हमेशा CND, कांट बी डिटरमाइन, हम पता नहीं कर सकते, कांट बी डिटरमाइन, है ना। तो ऊपर देख पावर किसने वाले क्वेश्चन में, देखो 3x + y / 5x - y, ठीक है, ऊपर पावर देखो एक 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 एक, सब जगह पावर सही है, सेम सेम है, तो आंसर क्या आ जाएगा, निकाल सकते हैं हम, x = 3 रख देंगे, y = 4 रख देंगे, और हमारा आंसर निकल जाएगा। परंतु जब पावर अलग अलग है तो हम डायरेक्ट बिना देखे इसका आंसर क्या दे देंगे, CND, कांट बी डिटरमाइन। ऐसे अगला क्वेश्चन देख, पावर तो x² - y², कैसे निकाल सकता है भाई, यहाँ पे y² मान ले कॉमन भी ले लिया तूने, बराबर पावर देख के देख लिया, परंतु बट्टे में भी तो उतनी पावर होनी चाहिए, यहाँ एक पावर सेम सेम थी परंतु कट भी रही थी पावर, परंतु यहाँ पे तो सेम सेम है ही नहीं। ऑप्शन देख इसको निकालने की कोशिश करो, थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का, इस तरह का कुछ नहीं पूछे, हाँ इन दो से ही पूछे गए हैं, ये तो मैंने दिया आपको, x² - y² क्या करोगे, y² कॉमन लिया तो x / y² आया -1, परंतु अब नीचे यदि y² और होता तो कटता ना, यहाँ y² है ही नहीं यार, तो कटेगा कैसे, तो y² की वैल्यू पता नहीं, तो इसकी भी वैल्यू हम निकाल नहीं सकते। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखना आप, अगला क्वेश्चन और अलग टाइप का है, एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप गलत मत करना, ठीक है। अगला टाइप का क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इजी सा क्वेश्चन है, बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। देखो स्क्रीन पर आप क्या है, आप करने की ट्राई किया करो पहले, यदि आपने पहले पढ़ रखे हैं तो, एन अमाउंट ऑफ मनी इज डिवाइडेड बिटवीन पी क्यू आर इन द रेशियो ऑफ 2:5:7, इफ द टोटल ऑफ पी एंड क्यू सॉरी आर शेयर इज 800 मोर देन क्यू शेयर, व्हाट विल बी द पी शेयर इन इट। गजब का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, समझ लेना इसको, ठीक क्या कह रहा है, हिल मत जाओ इस तरह, इतना लेवल तो चलेगा ही, क्या कह रहा है, पी अनुपात क्यू अनुपात आर, ठीक है सही बात है, क्या कह रहा है, अनुपात 2:5:7, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इफ द टोटल ऑफ पी एंड आर शेयर, यानी पी और आर का जो शेयर है, ठीक है, इज 800 मोर, ये है ना, ये 800 ज्यादा है, तो इसको मैं लिखूं 800 प्लस किसका, क्यूज के शेयर। इस इक्वेशन को बनाने आई समझ में, P और R का जो शेयर है वो 800 अधिक है किसके, Q के शेयर से, आई समझ में आई कहानी, Q के शेयर से।
क्या कह रहा हूँ, जो आर और पी और आर का जॉइंट है वो क्यू से कितना अधिक है, क्यू से कितना अधिक है, क्यू से उतना अधिक है, आर से अधिक है। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन। हमारे हिसाब से ये देख, हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये है, हमारे हिसाब से पी और क्यू, पी और आर का योग कितना आ रहा है, पी प्लस आर हमारे हिसाब से कितना है, ये देखिए हमारा हिसाब है, जो रेशियो दिया हुआ है हमारा हिसाब। ठीक है, क्या कह रहा है, पी और आर कितना आ रहा है, दो प्लस सात कितना है, नौ। ठीक है, और क्यू कितना है, पांच है। तो इन दोनों में अंतर, हमारा इसका रेशियो इससे कितना अधिक है, कितना अधिक है, चार अधिक है, चार अधिक है। नहीं समझ में आया तो मैं एक और मेथड बताऊंगा, समझ लो पहले इसको समझो। हमारे हिसाब से P प्लस R होना कितना चाहिए था, नौ, और सॉरी Q कितना होना चाहिए था, पांच, कितना अधिक है, चार अधिक है। ये तो हमारा हिसाब था, हमारा चार है ना, हमारा चार वो क्वेश्चन के कितने के बराबर है, क्वेश्चन कितना कह रहा है, 800। तो हमारा चार क्वेश्चन के कितने के बराबर है, 800 के। तो हमारा एक कितना हुआ, 200 के बराबर, चार का भाग दिया 200 आ गया। अब पूछा क्या है तुमसे, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पी शेयर, पी का शेयर कितना था, हमारा एक 200 के बराबर है तो पी का शेयर कितना था, दो। तो पी शेयर कितना आया, कितना था, दो। तो क्वेश्चन के हिसाब से कितना हो जाएगा, 400। आंसर क्या आ गया, 400। कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो वापस करके देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ जाएगा। नहीं आता तो बेसिक बताता हूँ, देखो हमारे हिसाब तुम्हारे हिसाब, नहीं समझ में आता तो सिंपल सा जो बचपन से हम पढ़ते हैं उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। पी अनुपात क्यू अनुपात आर है, तो पी को क्या मान सकता हूं मैं, 2x, क्यू को मान सकता हूं 5x, आर को क्या मान सकता हूं, 7x। ठीक है, इक्वेशन मुझे पता ये है, ये हम मान सकते हैं, यदि दो अनुपात बांध दिया हुआ है तो इसको मतलब 2x और 5x मान सकते हैं। पी प्लस आर कितना होगा, 2x प्लस 7x बराबर कितना है, 800, प्लस क्यू कितना था, 5x। अब भी आंसर आ जाएंगे, देखो कितना है, 7 और 9x माइनस वहां से आ जाएगा 5x बराबर कितना है, 800। कितना है, 9 में से 1 गया, 4x बराबर 800। x कितना है, 200। ठीक है, अब p का शेयर कितना था, 2x, p का शेयर कितना था, 2x, तो कितना है, 2 इंटू 200 कितना है, 400। तो जिससे समझ में आए उससे कर लो भाई साहब, रुपया लगा लेना आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, जिससे समझ में आए उससे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिसी को इसमें कंफर्टेबल हो, जिसमें बुद्धि बेस्ट है, जो इस हिसाब वाले में कंफर्टेबल हो वो हिसाब वाला भी कर सकता है। तो आया समझ में टाइप, ही बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। उससे अगला क्वेश्चन अलग टाइप का है परंतु उससे भी बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से देख इसको, समझ में आ जाना चाहिए। देख समझ में नहीं आया तो फिर मतलब नहीं है, कमेंट करके बताओ कि कौन सा सवाल समझ में नहीं आया है ना, कमेंट करके ये भी बताओ कि यार क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। आप फ्री हो, कुछ भी कह सकते हो सिवाय अभद्र भाषा, है ना, भाषा को सही रखना भाई। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर 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 मिलेगा एक पेपर में। देखो क्या कह रहा है, एक बैग है, चलो भाई साहब एक बैग है इसमें है, उसमें किस किस के टाइप के क्वेश्चन है, 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपीज, इन द रेशियो ऑफ 2:1:3। एक बैग है जिसमें 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए के कॉइन है, किस अनुपात में, 2:1:3 में है। इफ देयर टोटल आर 240, मतलब कुल मिला के रुपए कितने हैं, 240 है, तो हाउ मेनी 25 पैसा, 50 पैसा और 1 रुपीज कॉइन्स आर इन बैग, तो बैग में कितने कॉइन्स है, 50 पैसे के, 60 पैसे के और जो भी है, सॉरी 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपए के। तो देखो मैं पहले बात करता हूँ, ये 25 पैसे के कुछ कॉइन है, ठीक है, कुछ 50 पैसे के हैं और कुछ मैं मान लेता हूँ 1 रुपए के हैं। एक तो इन तीनों को है ना, या तो पैसे में रखा करो या रुपए में रखा करो, जनरली बढ़िया रहता है रुपए में, बट्टा नहीं आता इसलिए। तो मैं 1 रुपए को क्या लिख रहा हूँ, 100 पैसे, कोई गलत नहीं है। अब देखो इनका अनुपात क्या दिया हुआ है, क्या अनुपात दिया हुआ है, 2:1:3, मतलब इसके 2 सिक्के हुए, तो इसमें 1 सिक्का 50 पैसे का होगा और 3 सिक्के 1 रुपए के होंगे, यानी 100 पैसे के होंगे। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, जो बच्चों वाला क्वेश्चन है उसी में समझाता हूँ ताकि इजी पड़े। इसके कितने हो गए, 2x, इसको क्या मान सकता हूँ, 4x, सॉरी 1x
ये उसको क्या मान सकता हूँ 3x, ठीक है। तो 50 पैसे कॉइन मैंने कितने मान लिए 2x, 50 पैसे के सॉरी 25 के 2x, 50 के x और 100 के 3x मान सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब टोटल कितने दिए हैं, 240 रुपए दिए हैं। टोटल बैग में कितने हैं, 240 रुपए। तो मुझे ये बता, 2x है, 2x है, मान ले मैं कहता हूँ 25 पैसे के दो कॉइन है, 25 पैसे के दो कॉइन है, तो कितने रुपए बनेंगे, 50 पैसे। कैसे कह रहा, 25 पैसे को 2 से गुणा कर दिया। अब मैं कह रहा हूँ कॉइंस कितने हैं, 2x है 25 पैसे के, तो बता कितने रुपए बनेंगे, बनेंगे कितने बनेंगे, 50x कैसा है ये, 25 गुना 2x, 50x ये रुपए बन गए, यानी पैसे आ गए इसमें, प्लस ये कितने हो गए 50x और ये कितने आ गए 100 × 3 यानी 300x आ गए। समझ में कैसा है, इनकी गुणा करने पे इसके रुपए आ गए। अब ये टोटल इतने रुपए हैं, सॉरी इतने पैसे हैं, ध्यान रखना इतने पैसे हैं, बराबर कितने दिया हुआ है तुम्हें बैग में, कितना बता रहा है 240। ये तो 240 रुपए थे, गुणा किसकी करने पड़ेंगे 100 की, क्योंकि इधर भी तो क्या बनाओगे पैसे बनाओगे, क्यों इधर पैसे पैसे पैसे, तो इधर भी पैसे रखोगे तभी बात बनेगी। कितने हो गए 50 और 50, 100 और 300, 400 पैसे, 400x सॉरी बराबर कितना है 240 इंटू 100 कर लो, 0 से 0 कट गया 8, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई आपके लिए 80। द वैल्यू ऑफ x इज 80, बहुत ही बढ़िया है साहब, 80 आएगा तो और ही अच्छा है। तो अब तुमसे पूछे कितने कॉइंस कितने थे, 2x यानी कितने हो जाएंगे, x इंटू 2 यानी 8 × 2 = 16, 160 ये आ जाएंगे, 80 ये आ जाएंगे, सॉरी 80 नहीं 60, 6 गलती हुई, 4 को 24 से काटोगे तो कितना आया 60 है ना, 240 को काटोगे तो 6 × 24 होता है 60, तो ये कितने सिक्के आ जाएंगे 6 × 60 × 2 यानी 120 सिक्के, ये कितने आ गए 60 सिक्के और ये कितने आ गए 180 सिक्के, आंसर आ गया आपका। मेरे हिसाब से ये चीज समझ में आ गई होंगी, अच्छे समझ लेना, इस तरह के क्वेश्चन और दूंगा मैं आपको फेसबुक पे टेलीग्राम पे, जुड़ लो अभी ताकि अच्छी चीजें समझ में आए ना, प्रैक्टिस बने, इस टाइप का क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन पक्का 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 आने का पक्का चांस है, पक्के का पक्का चांस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बिना किसी देरी के, आपकी स्क्रीन पे है, आप देखिए इस क्वेश्चन को और कर दीजिए, क्योंकि आप यदि क्वेश्चन बना डाला तो आपकी लाइफ जिंगा डाला। चलो थोड़ी रोशनी बढ़ाते हैं ना, ओके गाइस अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, दो मेथड बताऊंगा, दोनों से करेंगे हम। देखो क्या कह रहा है, जिंक और कॉपर आर इन द रेशियो 2:1 इन 75 kg ऑफ एलॉय, एक अलॉय है जिसमें जिंक है और कॉपर है, मतलब आपका मटेरियल साइंस आ चुकी है, एक अलॉय है, मुझे बताओ आप कमेंट करके जिंक और कॉपर से बनने वाला अलॉय कौन सा होता है। चलो उसमें दो अनुपात है कि द अमाउंट ऑफ कॉपर टू बी फर्दर एडेड टू द अलॉय, अमाउंट ऑफ कॉपर, कॉपर को और एड किया गया है, सो दैट टू मेक द रेशियो ऑफ जिंक एंड कॉपर इज 1:2। अब जिंक और कॉपर का रेशियो क्या हो गया, 1:2। क्या कह रहा है, जिंक है कॉपर है सीयू है ना, अनुपात क्या है 2:1 है, टोटल कितना है 75 है, इसमें कुछ जोड़ा गया है, अब नया अनुपात क्या आ जाता है 1:2 आ जाता है, बस इतनी सी कहानी, एक मिनट में बन जाएगा। मुझे ये बताओ अनुपात है दोनों का दिया हुआ और टोटल 75 है, तो जिंक कितना आएगा 2/अनुपातों का योग कितना आया 3 × 75, कितना है 3 × 25 × 50, तो जिंक कितना आया 50, ऐसे कॉपर कितना आ जाएगा 25। आई होप ये चीज समझ में आई होगी, कोई प्रॉब्लम, ये कहानी पहले की है, ये तो देखो बेसिक मेथड है जो हमारे माइंड में सिंपली आना ही चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऐड कर रहा हूं कॉपर, कॉपर ऐड क्या कर रहा हूं, मान लो एक्स ऐड कर रहा हूं कॉपर, तो अनुपात क्या हो जाएगा 2:1। अब देखो ये पहले की कहानी थी, अब बाद में कहता हूं, बाद में क्या हो चुकी है कहानी, बहुत ही विचित्र हो चुकी है कहानी, जिंक तो मेरे पास कितना है 50 ही है, परंतु कॉपर भाई साहब बढ़ गया 25 + x हो गया 25 + x, मान लो x बढ़ा है, यही मुझे निकालना है, अनुपात कितना आ गया 1:2 है, बस अब तो कर ही लो यार, अब तो क्या प्रॉब्लम है, मेरे हिसाब से अब तो प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए, जिंक अनुपात कॉपर / कॉपर बराबर कितना है
50 बटा 25 प्लस एक्स बराबर कितना दिया हुआ है, 1/2, 1/2 निकालो, वज गुणा कर दो, ये कितना आया 100 बराबर 25 प्लस एक्स, तो ये कितना आएगा 75, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 75, मतलब कितना ऐड किया गया था 75 ऐड किया गया था, 75 एजीएमजी जो भी क्वेश्चन के हिसाब से है वो ऐड किया गया था। तो आई होप ये आंसर आ गया, x बराबर 75 कीजिए। एक और मेथड देखते हैं इसमें, ठीक है, इसको समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं वापिस ट्राई करता हूँ और क्वेश्चन देता हूँ आपको इस तरह की। पहले क्या है, 1:2 है, अब कितना हो गया 1:2, ठीक है, ऐड क्या किया गया, केवल कॉपर ऐड किया गया, ठीक है, तो कॉपर ऐड कर रहा तो इससे क्या हो गया, ये अनुपात 1:2 हो गया। तो इसमें एक चीज यदि थोड़ा सा दिमाग लगा लो, समझ लो, तो जिंक मुझे ये बताओ, जिंक चेंज हुआ था क्या, जिंक चेंज नहीं हुआ था, देखो जिंक यहां पे भी 50 और पहले भी क्या था 50 ही था, तो जिंक ऐड हुआ नहीं, तो उसको तो बराबर रखो। तो आप क्या कर दो, यहां दो है ना, तो इस रेशियो को इस तरह बना दो कि यहां पे भी दो आ जाए, क्योंकि जिंक चेंज नहीं होना चाहिए, तो जिंक चेंज नहीं होना चाहिए, दो बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, इस पूरे को गुणा किससे कर दूं मैं, दो से गुणा कर दूं। देखो ये क्वेश्चन समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, आपको मेथड तो बेसिक पता ही, तो कितना आ गया 2:4, ये नया रेशियो बन गया। अब देखो इस रेशियो को भूल जाओ, अब नया रेशियो क्या बन गया 2:4। अब देखो यहाँ पे जिंक तो कांस्टेंट है, कॉपर बढ़ा कितना है 3 बढ़ा है, कॉपर बढ़ा कितना है 3, 1 से 4 हुआ है, मतलब कितना मिला है 3 मिला है। अब 3 की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे, हमें पता है 2+1 ये हमारा हिसाब था, हमारा बराबर क्वेश्चन, देखो जिसको यदि ये हमारा और क्वेश्चन वाला कॉन्सेप्ट समझना है, अलग से समझाऊंगा मैं आपको, कमेंट करके जरूर बताएं कि आप अगर समझना चाहते हो तो इसको डिटेल में समझाना, बहुत इजी क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे क्वेश्चन से, हमारे हिसाब से ये टोटल मिला के कितने 3 है, क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 75, तो हमारा एक क्वेश्चन के कितने के बराबर हो गया 25 के, और हमारे हिसाब से कितना जोड़ा गया था 3, तो क्वेश्चन के हिसाब से 25 × 3 कितना आ गया 75, डायरेक्ट 75 आंसर आ गया। आई होप आपको चीज ये समझ में आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इजी सा क्वेश्चन था। इस पार्ट को मैं यहीं खत्म करता हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन अब आगे आएंगे, इनकम वाले आएंगे, बचत वाले आएंगे, सेविंग वाले आएंगे, जो रेशियो से ही बनते हैं, उनके क्वेश्चन मैं अगले पार्ट में कराऊंगा, थोड़ा अगला पार्ट और फास्ट ले जाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपका टाइम कम से कम वेस्ट हो। तो इसको यहीं खत्म करते हैं, अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, बेल आइकन हिट कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी फेसबुक और इन पे आप जुड़ सकते हो, डायरेक्ट आप सर्च कर सकते हो केशव भानु क्लासेस, कहीं भी सर्च कीजिए, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, हर जगह हम आपको अवेलेबल मिलेंगे और आपकी सेवा में नित्य हाजिर होंगे। तो इसको यहीं करते हैं खत्म, शेयर कीजिए इस वीडियो को, बहुत ज्यादा शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि शेयर करने वाला भी थक जाए, इतना शेयर कीजिए। तो नए लेक्चर के साथ बहुत जल्दी क्या, थोड़े ही सेकंड में, थोड़े ही मिनटों में, थोड़े ही घंटों में आपके सामने वीडियो अपलोड हो जाए, आप देखिए जरूर उस वीडियो को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।